अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसका इंटरफेस कैसा होता है और आप जो उसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह से यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप अपना जो डाटा होता है, अपने जो सेल्स होते हैं, उनको नेविगेट किस तरह से करते हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पर, और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहां जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहां पर मेरे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स ये मुझे दिखा रहा है कि अगर आप उस पर दोबारा से कुछ काम करना चाहते हैं तो वो आप यहां से सिलेक्ट करके वो काम कर सकते हैं। प्लस यहां पर आपको साइड में कुछ टैम्पलेट्स दे रहा है कि आप इन टैम्पलेट्स में से अगर आपको लगता है कि आपको कैलेंडर बनाना है, कोई इस तरह की शीट बनानी है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बेसिक पर्सनल बजट की कोई शीट बनानी है या मंथली कंपनी का बजट आपको डिसाइड करना है या उसके लिए कोई शीट बनानी है तो वो आप यहाँ से, कोई चार्ट क्रिएट करना है तो वो आप यहाँ पर पिक कर सकते हो ताकि आपको मेहनत कम लगे और आपको कलरिंग और सारे फॉर्मूलाज फंक्शन सब कुछ लगे हुए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर, अगर आपको कुछ ऐसी शीट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो क्विक वर्किंग्स के लिए, कि आपको कुछ मेहनत ना करनी पड़े और बस आपको उसमें अपने हिसाब से डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा और वो चीज़ आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडजस्ट करके सब कुछ आपको दे दे। सो हम एक बेसिक शीट पे काम करेंगे सबसे पहले, कि अभी हमारे पास एक्सेल में कुछ भी नहीं है तो आप उस चीज़ को किस तरह से डिज़ाइन करते हो, किस तरह से आप एक्सेल पे काम करते हो। तो मैं यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक या ब्लैंक शीट जो होती है उसको मैं पिक करना चाहता हूँ, तो ब्लैंक वर्कबुक पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कबुक मिल जाएगी। ब्लैंक वर्कबुक का मतलब कि उसमें कोई डाटा नहीं होगा, उसमें किसी भी तरह का कोई डाटा नहीं होगा, एक ब्लैंक, एक खाली शीट होगी, उसके ऊपर आप काम करोगे। हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो इंटरफेस है वो देखते हैं, उसमें एलिमेंट्स, उसमें किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो इंटरफेस है उसके बारे में आपको बता दूँ, जो सबसे ऊपर वाला बार है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। सो टाइटल बार में आपकी जो बुक का टाइटल, मतलब कि आपकी जो शीट है, उस फाइल का, उस शीट का जो नाम है, नो शीट कहना गलत होगा क्योंकि शीट यहाँ पर नीचे आपको ये नज़र आ रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट है उसका नाम यहाँ होता है। ये जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि इसको वर्कबुक कहते हैं एक्सेल की फाइल को, तो इसका जो टाइटल है इस फाइल का वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा और उसके नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आपके पास टैब्स नज़र आ रहे हैं। आप जिस टैब पर क्लिक करोगे उससे रिलेटेड जो भी फीचर, जो भी फंक्शन, जो भी ऑप्शन आपको एक्सेल में मौजूद है वो ये आपको करके दिखाएगा। उसके बाद हर टैब के नीचे आपको कुछ उसका बार दिया गया, जो भी, जैसे ये होम का टैब है तो होम का बार आपको नज़र आ रहा है, इसमें होम वाले ऑप्शंस हैं। इंसर्ट पे आप जाओगे, इंसर्ट के टैब पे क्लिक करोगे तो उसके जितने ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये वाला जो बार है वो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ रहा, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके शॉर्टकट कीज से काम करते हो, तो ये वाला जो बार है उनके लिए वो कुछ सेल्स को घेर रहा होता है, कुछ सेल्स की जगह ले रहा होता है। तो आप इस बार पे डबल, इस जो टैब है उस टैब पे डबल क्लिक करेंगे तो ये बार, जो हर टैब का एक बार आ रहा है, वो हाइड हो जाएगा परमानेंटली। फिर जब आप क्लिक करोगे तो वो टेम्प्रेरी नज़र आएगा, फिर कहीं और बाहर क्लिक करेंगे तो वो बार दोबारा से हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्लिक करके जो भी बार चाहिए आप वो रख सकते हैं, बट मैं डबल क्लिक करता हूं तो दोबारा से वो फिक्स हो जाएगा, और क्योंकि मैं इसको यहाँ पे फिक्स रख के काम करूँगा। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर ये आपका कहलाता है फॉर्मूला बार। तो ये आपका फॉर्मूला बार है, यहाँ पे आप जो भी फंक्शंस, फॉर्मूलाज टाइप करोगे वो आपको यहाँ मिलेंगे, और यहाँ पर ये जो A1 लिखा हुआ आपको दिखा रहा है ये है आपका सेल एड्रेस, या आप इसको सेल का रेफरेंस नंबर भी कह सकते हैं। अब जो सेल का रेफरेंस नंबर है वो कैसे बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। सबसे पहले जो आपको यहाँ ABCDEFG लिखा हुआ नजर आ रहा है ये है कॉलम्स, क्योंकि हम इसमें शीट्स बनाते हैं तो टेबल जैसी आपको शीट्स नजर आती हैं, तो ये आपको नजर आ रहे हैं कॉलम्स, कॉलम ए। इस कॉलम के नाम पे आप क्लिक करोगे तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकता है, ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, कॉलम सी डी ई, इस तरह से आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस नाम पे आप क्लिक करोगे। जो नंबर्स में यहाँ साइड में आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं ये हैं रॉस के नंबर, जो रॉ है उसके नंबर हैं, ये रॉ नंबर 1 है 2 3 4। अब किसी भी सेल को अगर आप सिलेक्ट करते हो, सपोज मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो उसका रेफरेंस नंबर यहाँ दे रहा है, तो जो सेल का रेफरेंस नंबर या सेल एड्रेस जो आपको बता रहा है वो किस तरह से बन रहा है,
वो बन रहा है कॉलम और रॉ के नाम को मिला के। मतलब हर शीट में आपके पास B4 मौजूद होगा, जैसे यहाँ पे B4 लिखा हुआ दिखा रहा है, तो इस B4 का जो एड्रेस है वो कैसे बना, इससे पता चलता है कि जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो सेल कॉलम नंबर बी का और रॉ नंबर 4 का सेल है, तो उसका नाम बन जाता है B4। तो इस तरह से आपको कोई किसी सेल पे जाना है तो आप उस सेल को सेलेक्ट करोगे तो उसका रेफरेंस नंबर यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, या आप उस सेल का एड्रेस यहाँ लिखोगे। जैसे मैं कहता हूँ मुझे G66 पे ले जाओ, तो मैंने G66 टाइप किया और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये सेलेक्ट कर लेगा, देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली G66। तो इस तरह से आप एक्सेल के जो सेल एड्रेसेस हैं उनको पढ़ सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो ये आपके पास एक और बार आ रहा है, इसमें आपको मल्टीपल वर्कबुक्स आप ले सकते हो। एक्सेल के पुराने वर्जन में आपको बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स मिलती थी, 3 वर्कबुक्स मिलती थी, बट यहाँ पर आपको इस एक वर्कबुक में एक ही शीट मिलती है, क्योंकि नॉर्मली लोग एक ही यूज़ करते थे, जिनको 2 चाहिए थे वो फिर ऐड कर लेते थे, 3 चाहिए थे वो ऐड कर लेते थे, तो 3 देने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो एक्सेल ने अब उसमें आगे के जब वर्जन आए तो उसमें अब ये एक शीट ही आपको मिलती है। इस शीट के साथ अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो आप राइट क्लिक करके इस शीट के नाम पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपको एक और न्यू शीट चाहिए तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, ये शीट डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर सकते हैं, बट डिलीट का ऑप्शन मैं कर तो देता हूँ बट ये मना कर रहा है, क्योंकि आप एक शीट रखना ज़रूरी है आपको अपने एक्सेल में। और इसी तरह से आप शीट को रीनेम करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे रीनेम पे क्लिक कर सकता हूँ, या इस शीट के नाम पे आप डबल क्लिक करोगे तो भी आप इस शीट के नाम को रीनेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फर्स्ट शीट और इंटर प्रेस कर दिया। अगर आप इस शीट की कॉपी करना चाहते हो, सपोज आपने इसमें कोई डाटा इंसर्ट किया हुआ है, उस डाटा को आप आगे मजीद कॉपी करके फिर उस डाटा को आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस पर सिंपल राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मूव और कॉपी पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको मूव करना चाहते हैं, मूव टू एंड का ऑप्शन दिया हुआ है, या आप कोई क्रिएट कॉपी एक कॉपी बनाना चाहते हैं इस फर्स्ट शीट की, और जैसे ही आप ओके करोगे तो ये शीट कॉपी हो जाएगी और देन फिर आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया सेकेंड शीट, ये सब मैंने डिलीट कर दिया, बाहर क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ ये शीट फर्स्ट शीट के बराबर में आनी चाहिए, यानी उसके राइट साइड पे आनी चाहिए, तो आप सिंपल उस शीट को उठाओगे और ड्रैग करके, ये छोटा सा एक ब्लैक कलर का एरो नज़र आ रहा है इसके आने का, यहाँ पर आप वेट करोगे और यहाँ पर लाकर आप इसको छोड़ दोगे। जैसे आप इसको छोड़ोगे तो वो शीट आपकी शिफ्ट हो जाएगी। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये शीट मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और न्यू शीट आप यहाँ पे प्लस का बटन है, आप यहाँ से भी न्यू शीट पे जा सकते हैं और इस तरह से आप उसको टॉगल कर सकते हो जिस शीट पे भी जाना है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको यहाँ पर नजर आता है स्टेटस बार। यहाँ पर अगर सेविंग हो रही होगी तो यहाँ सेविंग लिखा हुआ होगा, भी आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी है काम करने के लिए तो रेडी लिखा हुआ है। आपको जूम इन जूम आउट करना है, अपने डॉक्यूमेंट को नेविगेट करना है। उसके अलावा आप अपनी जो वर्कबुक है, जो शीट है, उसको आप किस फॉर्म में, ऐसे टेबल्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं जैसे नॉर्मल आपकी वर्कबुक होती है, डिजिटल पर्पज़ के लिए देखना चाहते हो, या प्रिंटिंग में देखना चाहते हो किस तरह की नज़र आएगी, तो ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आपको दिखा रहा है कौन से सेल कौन से पे कितने पेजेस लेंगे इसको प्रिंट होने में। बाय डिफॉल्ट जो पेजेस की सेटिंग सेट हुई है उसके हिसाब से, तो मैं नॉर्मल अपनी नॉर्मल मोड पे जाता हूँ और यहाँ पर आपको ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, इस डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि आपका जो भी पेज सेलेक्ट हुआ है वो पेज कहाँ से सिलेक्ट होता है, आप पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे आपको साइज दिया हुआ है, आप यहाँ से अपने पेज का साइज एडजस्ट कर सकते हो कि आपको ये, लेकिन तब की बात है जब आपको वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। लेकिन अगर आपको प्रिंट नहीं करना, बहुत सारे डाटा ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ डिजिटल अपने कंप्यूटर में ही सेव करके रखने होते हैं, तो वो आप सिंपल फिर इस लाइन का आप ध्यान नहीं करोगे और आप बस उसमें डाटा जो भी इंसर्ट करना है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपनी जो भी नेविगेशन है, मीन्स आपको सेल्स को जूम इन जूम आउट करके देखना है, तो वो करने बहुत आसान है। आप सिंपल क्लिक करोगे उस सेल के ऊपर और कंट्रोल प्रेस करके आप अपना जो माउस व्हील है उसको ऊपर या नीचे घुमाओगे, रोटेट करोगे, उसको स्क्रॉल करोगे उससे, तो देन आपका जो भी व्यू है वो जूम इन या जूम आउट होता जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी व्यू को नेविगेट कर सकते हो, किसी भी सेल पे आपको जूम करना है, आपने उसको सेलेक्ट किया और इस तरह से आप जूम इन कर सकते हैं। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं, या किस तरह के मैं ट्यूटोरियल्स और ज़्यादा बनाऊं, तो उसकी सजेशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।